नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है देव सागर। आज हम जानेंगे जैक गिलेनहाल लाइफ स्टोरी बायोग्राफी। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। जन्म 19 दिसंबर 1980 एक अमेरिकी अभिनेता है। गिलेनहाल परिवार में जन्मे। वो निर्देशक स्टीफन गिलेनहाल और पटकथा लेखक नाओमी फोना के बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री मैगी गिलेनहाल है। उन्होंने एक बच्चे के रूप में अभिनय करना शुरू किया। सिटी स्लीकर्स में अपने अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद अपने पिता की फिल्मों ए डेंजरस वुमन 1993 और देसी उनकी सफल भूमिकाएं अक्टूबर स्काई में होम ही कम के रूप में और डॉनी डाको 2001 में मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान किशोर के रूप में थी। उन्होंने एंग ली के 2005 के रोमांटिक ड्रामा ब्रोकबैक माउंटेन में जैक ट्विस्ट की भूमिका निभाए, जिसके लिए गिलेनहाल ने बाफ्टा पुरस्कार जीता और उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अगर आप जैक गिलेनहाल के फैन हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपको ये से ही और वीडियो लाते रहेंगे। डॉनी डाको, जिसमें गिलेनहाल ने फिल्म में अपनी दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी, 2001 की शुरुआती रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई थी। जो फ्रैंक नाम के 6 फुट 1.8 मीटर लंबे खरगोश के दर्शन का अनुभव करता है, जो उसे बताता है कि दुनिया खत्म हो रही है। गिलेनहाल को 2006 में पीपल मैगजीन के 50 मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल में नामित किया गया था। उन्हें पीपल्स के हॉटेस्ट बैचलर्स में भी सूचीबद्ध किया गया था। अप्रैल 2012 में शालोम लाइफ में उन्हें दुनिया के 50 सबसे प्रतिभाशाली यहूदी पुरुषों की सूची में 6वें स्थान पर रखा। उन्हें एम्पायर पत्रिका के 2013 में 100 सेक्सिएस्ट मूवी स्टार्स के पोल में 35वें स्थान पर रखा गया था। ग्लैमर पत्रिका द्वारा किए गए एक अन्य पोल में गिलेनहाल को 2018 के सबसे सेक्सी पुरुषों में से एक के रूप में चुना गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।